खबर रायपुर से हमारे पास आ रही है, जहां 29 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रायपुर सिटी एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर को यथावत रखा गया है, अभिषेक वर्मा को बनाया गया है रायगढ़ एएसपी, इसके साथ ही रोहित बघेल बने हैं रायपुर यातायात के एएसपी, वाईपी सिंह को एएसपी कांकेर बनाया गया है। मुख्यालय भानुप्रतापुर, जेआर ठाकुर एएसपी बलौदाबाजार, विजय पांडे एएसपी एसटीएफ बघेरा, हरीश राठौर एएसपी सूरजपुर, अर्चना झा एएसपी बिलासपुर, नेहा पांडे एएसपी पीएचक्यू रायपुर, नीरज चंद्राकर एएसपी पीएचक्यू रायपुर, गायत्री सिंह एएसपी एसआईटी पीएचक्यू रायपुर, मेघा टेम्बुरकर पीएचक्यू रायपुर, ज्योति सिंह उपसेनानी, रोहित झा एएसपी दुर्ग, लखन पटेल एएसपी ग्रामीण दुर्ग। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलेश्वर पांडे। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार तबादलों का दौर जारी है और इस दौरान 29 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस कड़ी को आगे बढ़ाया गया है, अपडेट क्या मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा सुनील जी, लगातार जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से जो है प्रशासनिक फेरबदल जारी है। लगातार अलग अलग विभागों में जो है तबादले किए जा रहे हैं और कल एक बड़ी बड़ा जो तबादला है वो पुलिस विभाग में हुआ है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने 72 एसएसपी का तबादला आदेश यहाँ पे जारी किया है। जो सिटी एसपी प्रफुल्ल ठाकुर उनको यथावत रखा गया है, लेकिन जो यातायात एसपी एडिशनल एसपी थे अभिषेक वर्मा उनको रायगढ़ भेज दिया गया है। वही रोहित बघेल को यातायात एसपी रायपुर बनाया गया है। निश्चित तौर पे सभी जो कार्य है उसको दुरुस्त करना चाहती है कांग्रेस की सरकार, इसको देखकर लगातार जो है फेरबदल जो है प्रशासनिक फेरबदल कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे जारी है। लेकिन कुलेश्वर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तबादलों का दौर जारी है, आखिर क्या मंशा है? क्या ये कहा जा सकता है जिस तरह से लगातार तबादले किए जा रहे हैं, क्या प्रशासनिक कसावट आ सकती है? सुनील, आपको बता दूं कि 15 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और कई जो प्रशासनिक पद में जो बैठे हुए अधिकारी थे वो काफी लंबे समय से जमे हुए थे, उनका तो तबादला नहीं हो पा रहा था। उसके कारण जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफी लाचार हो गए थे। उसको दुरुस्त करने के लिए जो लंबे समय से जो अधिकारी अपने पद में बैठे हुए थे उनका यहाँ पर तबादला किया जा रहा है और साथ ही जो पद में है वो अगर कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उसको भी यहाँ पे तबादला किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर लगातार आबादी बढ़ते जा रहा है और सुरक्षा जो है एक बड़ा मायने रखता है रायपुर में, जिसको देखते हुए जो है सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा दृष्टि देखते हुए ताकि जनता सुरक्षित रहे उसको देखते हुए तबादले यहाँ पे किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार जो कांग्रेस तबादले कर रही है तो इनका मतलब यही है कि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए और ताकि आम जनता जो है सुकून के दिन घर में सो पाए। जी चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां प्रशासनिक कसावट के लिए 29 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।